हेलो गाइस, स्वागत है आपका खेल डिपेंडेंस में। तो गाइस अभी देख सकते हैं सुबह का टाइम है, धूप निकल चुकी है छत पे और कबूतर अभी बंद है, अभी खुले नहीं है। तो कबूतर खोलने से पहले ये जो पानी है ये रात का पानी है, तो अभी ये काफी ठंडा हो गया है तो इसको भी बदलना है। इसको बदलने के बाद कबूतर खोलते हैं। तो चलो गाइस इसको पहले बदल देते हैं फिर कबूतर खोलते हैं। और गाइस पानी बदलने से पहले ये जो बोरा वोरा लगा है इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि कबूतर अपने रहे अच्छे से जाल के अंदर। और गाइस देखते हैं कौन से कबूतर अंडे दिए हैं कौन से नहीं दिए हैं। तो गाइस ये तो अपना कल सीधा अंडे पे बैठा है, इसके में से भी बच्चा निकलने वाला है। ये देखिए मादिन से रही है, अंडे को हैच कर रही है और इनका तो अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। और हाँ गाइस अपने ये जो लाल डुबा जो मकई है ये भी अंडा दे दी है, कल ही दी थी, दोनों अंडे दे निकाल लिए इसने। और वो देखिए मादिन हैच कर रही है। और इधर गाइस देख सकते हो पंजाबी का भी अंडा निकल चुका है, ये अपने पंजाबी कबूतर इनका भी अंडा देख सकते हैं यहाँ पे निकल चुका है। चलो गाइस बढ़िया ही है, ब्रीडिंग प्रोसेस जो चल रहा है अपने घर अपने कबूतरों का बहुत बढ़िया ही चल रहा है। तो गाइस अभी पानी जो है बदल दिए हैं और यहाँ कबूतर देख सकते हैं कितने बेताब है बाहर निकलने के लिए, तो इनको भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और ये बड़ा वाला भी लॉफ्ट खोल देते हैं। तो गाइस अपने सारे कबूतर अभी खुल चुके हैं, तो चलिए नीचे से जाते हैं रोटी लेके आते हैं। और नहीं तो ये लोग गेहूं खा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं के वो पड़े हैं जो छोटे छोटे खुद्दी रहते हैं वो पड़े हैं, ये लोग वही खा रहे हैं। तो चलिए गाइस चलो नीचे से जल्दी से रोटी लेके आते हैं, इन लोगों को रोटी देते हैं खाने के लिए। तो गाइस अभी मैं नीचे से रोटी ले आया हूँ और ये लोग देख सकते हैं वहाँ पे गेहूं अभी भी खा रहे हैं, गेहूं कह रहे हो चावल अभी भी खा रहे हैं। तो चलो गाइस इन लोगों को रोटी डालते हैं तब ये लोग आएंगे रोटी खाने। तो गाइस अभी जैसा कि देख सकते हैं मैंने रोटी सारी डाल दी है और कबूतर देख सकते हैं रोटी खा भी रहा है, ठीक है। और इधर देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, और ये जो अपनी पंजाबी मादी ने ये अंडे को से रही थी अभी को, लेकिन अभी नहीं से रही क्योंकि मैं आ गया तो इधर रही अभी अभी नहीं से रही है। तो गाइस ये जो अंडा है ये पंजाबी मादी डूरा के किधर भी कर सकती है, तो ये नीचे भी गिरा सकती है यहाँ पे, और नीचे गिरेगा तो अंडा फूट जाएगा। इसलिए मैं ये जो बाउल है जो मतलब मटका है ऐसा मेरे पास एक और है और उसको यहाँ पे रख दूंगा ताकि ये और ये अंडा भी उठा के उस बाउल के अंदर रख दूंगा ताकि मादिन अच्छे से उसको हैश करे, ठीक है गाइस। तो चलो वो मटका लेके आते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एक मटका मेरे पास पड़ा था, तो लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदा है, इसको धोना है अभी, साफ करना है सब जो बीट है इसके अंदर कबूतर किए हैं। तो इसको साफ करने के बाद इसके अंदर कोई नरम चीज डालेंगे भूसा जैसे की, ताकि अंडा फूटे ना और मादिन उसको आराम से सके। सो गाइस ये जो बाउल है इसको मैं पूरा साफ कर दिया हूँ देख सकते हैं अच्छे से। तो इसके अंदर यहाँ पे भूसा है, ये भूसा डाल देते हैं जो अपने गाय वाय खाती है भूसा गाय भैंस उसको डाल देते हैं। तो गाइस भूसा जो है मैं ज्यादा डालूंगा, ज्यादा क्वांटिटी में डालूंगा, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो जो मादिन है वो अपने आप भूसे को कम कर देगी, तो इतना भूसा ठीक रहेगा, ठीक है। कुछ ज्यादा ही डाल दिया लेकिन वो मादिन अपने आप भूसे को कम कर देगी। तो चलो गाइस अब इसको रख देते हैं उस डरबे में, और कहा यहाँ पे देख सकते हो मादिन वहाँ पे अंडे पे बैठी देख सकते हैं अभी भी। और इसको मैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे रख देता हूँ अच्छे से, और ये जो है जो अंडा इसको उठा के यहाँ पे मैं रख दिया, बाउल को उधर कर देता हूँ। अब गाइस जितना भूसा इस मादिन को चाहिए अंडे को सेने के लिए उतना भूसा ये रखेगी और सब उठा के बाहर फेंक देगी अपनी चोंच से। तो चलो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक की, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।